हेलो बच्चों, मैं हूं अर्षद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम हाई स्कूल का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। उसके तीन मेथड होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, उसे हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम आपको पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? पहले लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल पढ़ने के लिए पहले आप ये समझिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। फर्स्ट टर्म ए का, एक्स का, फिर वी और कॉन्स्टेंट नंबर उस साइड रहे तो ज़्यादा बेटर है। ये होता है लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में कहते हैं मानक रूप। अब देखिए, पहले जो भी आपको इक्वेशन दिया है, पहला क्वेश्चन, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू। पहले तो ये देखना है हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। x माइनस वाई इज उगल टू फोर और x प्लस वाई इज उगल टू फोर, ये इक्वेशन वन और टू ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम क्या करते हैं, या तो x डिजिट बराबर करेंगे या तो y। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़, पहली चीज़ इक्वल दे रखी है। जब दे रखी है तो इक्वेशन वन एंड टू को क्या लिखेंगे, बाय एडिशन। बाय एडिशन का मतलब जोड़ने पर, जोड़ने पर अपोजिट साइन है तो ये चीज कट जाएगी। जोड़ने पर ये चीज कट गई, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर भी आप ऐड करोगे 4 प्लस 4, तो 2x इज इक्वल टू आपका आ गया 8। x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बाय 2, x इज इक्वल टू आपका आ गया 4। ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखे या 2 में रखे, हमने किस पर रख रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज उगल टू 4, x की वैल्यू आपकी आई है 4, 4 प्लस वाई इज उगल टू 4। अब y इज उगल टू लाना है। अब आपको पता है इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज क्या होता है, अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव से है तो क्या होगा, पॉजिटिव। और मल्टीप्लीकेशन अगर है तो मल्टीप्लीकेशन का होता है डिविजन और डिविजन का होता है मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर यह एडिशन है तो उधर इंटरचेंज करेंगे किस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, तो y इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यू आ गई x और y के। ये आपका हो गया एलिमिनेशन से x और y की वैल्यू। अगर आपको चेक करना है हमारा आंसर सही है या गलत है तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करना ही आपको बोल्ड में नहीं करना, वो आप खुद कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारा सही है या गलत है। कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रख दिए आप, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका 4। x की वैल्यू आपकी आई है 4 और y की वैल्यू आपकी आई है 0, उसको हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका वेरीफाई हो गया, आपका ये आंसर क्या है, आपका सही है। ये एलिमिनेशन मेथड का ये पहला फॉर्म, सबसे इजी क्वेश्चन हमने बताया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं आपका। बस आपको कोई भी चीज़ है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हमें सॉल्व करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका करवा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब सबसे पहले हमें देखना है ये जो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। सब बच्चे कहेंगे है, क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो इसे हमने इक्वेशन वन कह दिया, इसे इक्वेशन टू कह दिया। अब देखिए आपको ये देखना है, या तो हम एक्स इक्वल करेंगे या तो वाई, या तो एक्स या तो वाई। अगर हम अलग अलग साइन को बराबर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि बाई एडिशन सॉल्व हो जाएगा। अगर इक्वल करते हैं तो बाय सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का अपोजिट साइन लगता है, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं तो इक्वेशन वन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिजिट से, इसका डिजिट क्या है 2, और इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 36, ये बन गए इक्वेशन 3। अब इसको 3 से करेंगे तो 3 वन 3 आ गया,
माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये बन गया इक्वेशन फोर। देखिए हमने ये चीज़ बराबर की है तो यहाँ पे बाय एडिशन सॉल्व होगा, क्या बाय एडिशन, बाय एडिशन में ये सॉल्व हो गया। अब इधर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 36 प्लस 6, 4x प्लस 3x आ गया आपका, आ गया 7x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू, ये इन दोनों बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, तो इधर जाएगा डिवीजन में। अभी आपको हमने बताया था इंटरचेंज करना है या उसी को ट्रांसपोज कहते हैं, 7 से सॉल्व कर दिया तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6, ये किसकी वैल्यू आ गई x के। अब x की वैल्यू आ गई चाहे इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, चारों में किसी में वैल्यू रखिए आंसर आएगा। इसी छोटा इक्वेशन आपकी कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, हमने इक्वेशन 1 में रख रहे हैं 2 तो क्वेश्चन का है, x की वैल्यू हम रखेंगे क्या 6 दे रखा है, 6 हमने रख दिया, प्लस 3y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 18, 6 टू जा 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 18, तो 3y इज इक्वल टू 18, ये पॉजिटिव है उधर इंटरचेंज होगा निगेटिव आएगा, 3y इज इक्वल टू आपका आ गया 6, y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/3, सॉल्व कर दिया y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो x इज इक्वल टू आ गया था, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, ये x और y की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब इसे आप ध्यान से देखिए, इसे धीरे धीरे हम टफ करके आपको बताएंगे, ठीक, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन, ये कब हमने कौन से तरीके से लगाया जिसमें अपोजिट साइन को इक्वल किया। अब तीसरी कंडीशन आपकी आएगी जिसमें सेम साइन हो, इसलिए हम आपको क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वो एक एक क्वेश्चन आपको सीरियल बाय सीरियल करवा रहे हैं, कब जब कंडीशन डिजिट बराबर हो तो बाय डायरेक्ट एडिशन, अगर डिजिट बराबर ना हो तो उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, या तो हम x बराबर करते हैं या तो y बराबर करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ जो दे रखी है सेम साइन है, ये दोनों भी प्लस है और ये दोनों भी प्लस है, क्लियर। तो इसे हमने कह दिया इक्वेशन 1, इसे हमने कह दिया इक्वेशन 2, या तो हम x बराबर करें या तो y बराबर करें, दोनों साइन है। अगर हमने यहाँ टारगेट ये लेकर चल रहे हैं तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ 2 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई ऑफ 5, ध्यान से देखिएगा, बस आपको इतना सा ध्यान रखना अपोजिट साइन से करना है, 8 टू ज़ा 16, 5 टू ज़ा 10, 9 टू ज़ा 18, ये बन गया इक्वेशन आपका थर्ड। अब 5 से जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, ये आपका आ गया इक्वेशन फोर्थ। आपके दिमाग में है आपको बराबर क्या करना है वाई, जब इक्वल आ गया तो यहाँ बाय एडिशन तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि सेम साइन है तो बाय सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन में तो बाय एडिशन, सेम साइन है तो नीचे वाले का अपोजिट निशान लगाते हैं, ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट निशान, ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया आपका। तो अब लिखेंगे 16x, ये इसका साइन हो जाता है, इसका साइन हो जाता है तो माइनस 15x इज इक्वल टू 18, ये पॉजिटिव है, ये किस में आ गया निगेटिव है, तो 16 में से 15 माइनस करोगे तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 2, ये किसकी वैल्यू फाइंड हो गए x के। अब x की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी रख दी है, इसी हमारे लिए क्या दिख रहा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका दे रखा है 4, क्लियर। अब हमें यह रखना है 3 x की वैल्यू आपको पता है, इसमें हमने पुट कर दी माइनस 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,
तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ये माइनस में है, उधर इंटरचेंज करिएगा या ट्रांसपोज करिएगा तो माइनस का किस में हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है, तो 2y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। अब y और 2 के बीच में साइन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है, उधर आपका जाएगा डिवीजन में 10/2, 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा 5, 10/2 इज इक्वल टू 5। इसको आप वेरीफाई करना चाहो तो आप रफ में कर सकते हो, हमने आपको बताया है, एक बार आप करके देख लो, अगर वेरीफाई आप करना चाहे तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, 8x + 5y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 9। इसमें हम इंटरचेंज नहीं करते, 8 है x की वैल्यू पुट कर दी है -2 + 5 y की वैल्यू रख दी है 5 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 9। 8 2 16 5 5 25 तो मतलब हुआ 25 में से 16 माइनस करो कितना जाएगा 9, तो 9 = 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया आपका आंसर सही है। ये वेरिफिकेशन हमने आपको बताया, ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारा आंसर सही है या गलत है, ये कोई आपको बोर्ड में नहीं लगाना है ये क्वेश्चन, अगर आप चेक करने के लिए रफ में आप चेक कर लिए आपको कंफर्म हो जाएगा ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर हमारे मिल रहा है। ये आपका 3रा क्वेश्चन बताया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, जब माइनस की कंडीशन आ जाए, देखिए अब क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, 3x - y = 40, 4x - 2y = 50। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे भी ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, जब दोनों सेम है या तो हम x इक्वल करें या तो y, हम यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं y इक्वल करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ परेशान होते हैं, ये y का कोई डिजिट नहीं है, y का डिजिट क्या है 1, y का डिजिट क्या है 1, तो इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया, इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अगर हम इसको इक्वल कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ कितना 2 और इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई ऑफ 1, मल्टीप्लाई करिए 6x - 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 80। इसको हम 1 से करेंगे तो 4x - 2y इज इक्वल टू आ गया 50। ये बन गया इक्वेशन 3rd और ये बन गया इक्वेशन 4th। देखिए सेम साइन जब बराबर किया है तो नीचे वाले का अपोजिट निशान लग जाता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये तो फौरन कैंसिल हो गया। अब सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो 6x ये इसका साइन चेंज हो जाता है, ये कितना हो जाएगा -4x, 80 तो आपके पास पहले से था, अब ये +50 किस में हो जाएगा -50 में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, कितना हो गया बेटा 30, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30/2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। ये किसकी वैल्यू आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर y की वैल्यू लानी है किसी भी इक्वेशन रख दें, 3x - y = 40, ध्यान से देखिएगा 3, x की वैल्यू आपकी है 15, तो x की जगह हमने x की वैल्यू रखी, -15 = कितना हो गया 4, तो ये हो गया आपका 45। देखिए हमें y की वैल्यू लानी है तो y हम ट्रांसपोज करके उधर ले जा सकते हैं, और ये 40 पॉजिटिव है इधर किस में आ जाएगा, तो y = आ गया आपका y = 5। इसे आप रफ में वेरीफाई कर सकते हैं तो आपका आंसर आ सकता है। ये चौथा क्वेश्चन आपका बता दिया, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप हल्का सा धीरे धीरे क्वेश्चन टफ करते जा रहे हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन, अब जो थोड़ा सा और टफ आएगा वो देखिए, उसमें इन सब क्वेश्चनों में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे दिए, अगले क्वेश्चनों में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, फिर आप लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो क्या करना है, टू अपॉन एक्स प्लस 3/y
इज इक्वल टू 13 5 बाय एक्स माइनस 4 बाय वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें हमको सॉल्व करना है। देखिए अभी आपको रूल जो हमने बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, लेकिन ये उसके फॉर्म में नहीं, यही अगर एक्स ऊपर होता तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हमें हर चीज़ का याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बदलना है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में। मेन फंडा आपको जब चैप्टर पढ़ लो तो आपको ये पता नहीं चाहिए वो है क्या, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर देखिए हम यहाँ पे लगा दें, 1/x को वेरिएबल मान लें, लेट का होता है, लेट को मतलब हिंदी में कहते हैं माना, सपोज भी कहते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू हमने मान लिया ये, और 1/y इज इक्वल टू हमने मान लिया, 1/y इज इक्वल टू हमने कितना मान लिया बी। अब इसको अगर वेरीफाई करेंगे तो 2 इंटू इसकी जगह क्या रखेंगे, ए प्लस 3 बी इज इक्वल टू 13, ये बन गया इक्वेशन 1। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में स्टैंडर्ड फॉर्म बदल दिया था तो आपने लगा लिया, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बदला, यहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी जो आपका ये एक्स वाई जो है कॉन्स्टेंट नंबर, ये चीज़ कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए इसको कन्वर्ट क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5/a माइनस इसको 1/y कह सकते हैं, 4/b इज इक्वल टू 4/b इज इक्वल टू माइनस 2, ये बन गए आपके इक्वेशन 2। अब ये चीज़ समझ में आई, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, अब ये आपका जाके क्वेश्चन बना। अब हम क्या करेंगे, या तो a बराबर करेंगे या तो b बराबर करेंगे, बेटर हमारे लिए क्या है, क्या बराबर करें, b। तो इसको इक्वेशन 1 को हम किससे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 52, 3 से करेंगे तो 15a माइनस 12b इज इक्वल टू माइनस 6 बाय एडिशन। क्यों बाय एडिशन, हमने आपको बताया था अगर अपोजिट साइन है तो बाय एडिशन सॉल्व होगा, सेम साइन होगा तो बाय सब्ट्रैक्शन। अब इधर ऐड करेंगे तो 8a प्लस 15a इज इक्वल टू 52 प्लस माइनस 6, तो हम यहाँ पे हो जाएगा 15 और 8 कितना आपका आ गया 23a इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, 52 में से 6 माइनस करोगे, 52 माइनस 6 23a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 46, a इज इक्वल टू हो जाएगा 46/23, ये मल्टीप्लाई में है, सॉल्व किया, a की वैल्यू कितनी आई है 2, a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दी है, कौन सी इक्वेशन आपकी है, याले रख दिया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1 छोटी है उसमें रख दे रहे हैं, 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी है 2 प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल टू कितना है आपका 13, तो 4 प्लस 3b इज इक्वल टू कितना हो गया 13, तो 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 4 3b इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 बाय 3, तो b इज इक्वल टू आपको सिंप्लीफाई करोगे 3 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3। ये चीज आपकी a आ गई, ये b आ गए। अब आधे बच्चे यहीं पे खुश हो जाते हैं, हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x y की a और b की वैल्यू नहीं लानी, a b तो हमने उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने आप क्या किया, सपोज कर लिया, मान लिया, तो अब a की वैल्यू आपकी क्या है 1/x इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपकी क्या ही है 1/x इज इक्वल टू ए, और 1/y इज इक्वल टू कितना दे रखा है बी,
वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपकी कितनी आई है टू, ए की वैल्यू कितनी आई है टू, और वन अपॉन वाई इज इक्वल टू आपका है बी, बी की वैल्यू आपकी आई है थ्री। अब देखिए ध्यान दिएगा, अगर टू अपॉन वन कर दें, इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें, किसमें रेशनल नंबर में, हमें वन अपॉन एक्स की वैल्यू नहीं लानी, किसकी लानी है एक्स के, रिसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड करेंगे, रिसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, उसी को व्युत्क्रम भी कहते हैं, रिसिप्रोकल भी कहते हैं और एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, उल्टा कर देंगे तो वन बाई टू, इसको कहते हैं रिसिप्रोकल या इनवर्स, रिसिप्रोकल किया वन बाय वाई को हम क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाय थ्री, ये आ गई एक्स और वाई की वैल्यू। ध्यान से देखिए इसको क्या किया, क्योंकि आपको सिर्फ एक लाइन आपको समझनी है, वो आपको समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और थोड़ा सा जो इससे एक स्टेप और टफ है, बस आपको समझना है यहाँ पे वेरिएबल किसको मानना है, वन अपॉन एक्स को हमने क्या माना है ए, और वन अपॉन वाई को हमने क्या माना है बी, क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का क्या हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक्स और वाई न्यूमरेटर में होना चाहिए डिनोमिनेटर में नहीं, क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्योंकि आप उसी को आप इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए, फिर आप किताब लगाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको इसी लेवल के मिलेंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इसी का एलिमिनेशन मेथड का हम दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो थोड़ा सा ए बी सी डी वाले क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं रेफरेंस बुकों में है, तो वो भी हम करवाएंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, सेकेंड इक्वेशन है फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, इसको हमें सॉल्व करना है। अब वही कंडीशन आ गई, एक्स वाई डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में नहीं है, तो पहले इसको हम किसमें बदलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा जब, और याद रखना बाइनोमियल जब हो, क्या हो बाइनोमियल, बाइनोमियल को हिंदी में कहते हैं द्विपदी व्यंजक, अगर बाइनोमियल है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमने मान लिया ये, और वन अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू हमने मान लिया कितना b। अब देखिए यहाँ पर 10 इंटू वन लिख सकते हैं, तो इस पूरा पोर्शन को मिलाकर आपका हो गया 10 a प्लस 2 इंटू वन लिख सकते हैं, भाई वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो ये हो जाएगा आपका 2b इज इक्वल टू 4, ये बन गया इक्वेशन आपके इक्वेशन वन। सेकेंड एक स्टेप में आइए, आ जाएगा 15a माइनस 9b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू, ये बन गया इक्वेशन आपके इक्वेशन टू। अब ये जाके आपके स्टैंडर्ड फॉर्म बदला, क्या बना ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, या तो हम एक्स एक वैल्यू करेंगे या तो b, क्या बेटर है आपके लिए b वाला, क्यों, क्योंकि उसके साइन अपोजिट है, तो बाय एडिशन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन वन को हम करेंगे 9 से, क्योंकि हम टारगेट क्या ले रहे हैं बी, हमने ब्रैकेट लगा के ये समझा दिया आपको, आपको टारगेट क्या है बी इक्वल कर रहा है, इसको हम किससे करेंगे 2 से, 9 से करिए 90a प्लस 18b, 19 इज इक्वल टू 18b इज इक्वल टू 36, ये बन गया इक्वेशन आपका थर्ड। 2 से करेंगे 30a माइनस 18b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 4, ये बन जाएगा इक्वेशन फोर्थ। बाय इक्वल है तो बाय एडिशन, क्यों अपोजिट साइन हम इक्वल कर रहे हैं, याद रखिएगा बाय एडिशन, एडिशन लगाने में अपोजिट साइन नहीं लगाया था, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ये चीज बराबर करेंगे ज़्यादा ईजी होगा, इधर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 120a इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 36 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया
32, तो आपका आ जाएगा 120 a = 32, तो a = 32/120। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 4 से कर दिया, 4 9 2 से कर लो, आराम से हो जाएगा, 16 आएगा, फिर 2 से करो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, फिर 2 से कर दो 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 15, तो a = हो जाएगा 4/15। अब a की वैल्यू हम कहाँ रख दें, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन कौन सी छोटी है, टेन ए प्लस 2b = 4, 10 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 4/15 प्लस 2b = 4, 5 से सॉल्व करो तो 5 2 10, 5 3 15, तो 8/3 प्लस 2b = 4, तो 2b = आपका आ जाएगा 4 - 8/3, अपॉन 1 लेके एलसीएम ले लिया, तो 2b = 3 आ गया, 12 - 8 कितना हो जाएगा 4/3, तो b = 4/3, ये है मल्टीप्लाई में, इधर इंटरचेंज करेंगे इसमें आ जाएगा डिवाइड में, 2 से सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 2, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/3, ये वैल्यू आपकी आ गई b के, a और b की वैल्यू, लेकिन हमें वैल्यू किसकी लानी थी, x एंड y की, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, या लैंग्वेज कह सकते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो भी मतलब x और y की वैल्यू लानी है, आधे में खुश नहीं हो जाना, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब a जो हमने माना है वो क्या माना है, 1/x + y = आपका है a, a की वैल्यू आपकी कितनी आई है, a की वैल्यू आपकी आई है 4/15, और 1/x - y की वैल्यू आई है b, b की वैल्यू है 2/3। यहां पे हम करेंगे रिसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, रिसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड जब होगा तो x + y = हो जाएगा 15/4। अब ये डिनोमिनेटर में है, इधर लियो 4x + y = आपका हो जाएगा 15, 4x + 4y = हो जाएगा 15, ये बन गया इक्वेशन फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इक्वेशन फिफ्थ बन गई। ऐसे यहाँ करिए रिसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड, x - y = 3/2, जब बाइनोमियल होता है तो हमने आपको ब्रैकेट बना देना है, 2 ब्रैकेट में x - y = 3, तो 2x - 2y = 3, ये बन गया इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों का हमें सॉल्व करना है, तो 4x + 4y = 15, और दूसरा तो आपका दे रखा है 2x - 2y = 3। अब देखिए हम ये भी कर सकते हैं, एक दूसरे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन बेटर क्या है आपका, ये इक्वेशन फिफ्थ थी और ये इक्वेशन सिक्स थे, इक्वेशन सिक्स को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें या तो x बराबर करना है या तो y, अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बोथ साइड में तो आ जाएगा 4x - 4y = 6, ये बन गया इक्वेशन सेवन्थ, और फिफ्थ क्या था तुम्हारा, 4x + 4y = 15, ये इक्वेशन क्या थे फिफ्थ, बाय एडिशन तो 8x = आपका आ जाएगा 21, तो x = हो जाएगा 21/8, x = 21/8, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब ये भाई x की वैल्यू है, अब हमें क्या लानी है y, किसकी वैल्यू लानी है y, अब y लाना है तो क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, अब किसी इक्वेशन में रख दी, ये आपका आ गया x की वैल्यू, अब आपका कौन सा मेन इक्वेशन आपका क्या था, मेन इक्वेशन आपका था
जब ने माना था वाई की वैल्यू बनानी, इस इक्वेशन में रख दो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा कितना है 3। तो 2 इंटू x की वैल्यू है 21/8 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। 2 से सिंप्लीफाई कर दिया 21/4, ये माइनस में इधर इंटरचेंज हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस 2y है उधर किसे माइनस 2y उधर इंटरचेंज करके प्लस 2y अपॉन 1 लेके एलसीएम लिया 4 आ गया। 21 माइनस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमने माइनस किया 9/4, ये डिवाइड में इधर आ गया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9/8। ये आपका x और y की वैल्यू आ गई। अब आपको जाकर ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, हमने आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टफ करके। अब आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।